दोस्तों नमस्कार। खबरें आ रही हैं कि ईरान अब कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान के हमले की आशंका बढ़ने पर अमेरिका ने अपने इजराइल में स्थित कर्मचारियों की यात्रा पर रोक लगा दी है। फ्रांस ने भी अपने नागरिकों से मध्य पूर्व क्षेत्र में यात्रा न करने को कहा है। मध्य पूर्व में सैन्य तनाव बढ़ने के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों से ईरान और इजराइल की यात्रा न करने की सलाह दी है। भारत सरकार ने इजराइल या ईरान की यात्रा करने की योजना बना रहे भारतीयों के लिए एक यात्रा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीयों को अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ईरान और इजराइल दोनों से, जो भारत के मित्र भी हैं, अनुरोध करता हूं कि वो किसी भी संघर्ष से बचें जो युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि इसका वैश्विक और भू राजनीतिक स्थितियों पर विपरीत असर पड़ेगा। इजराइल वर्तमान में ईरान से संभावित सीधे हमले के लिए हाई अलर्ट पर है, जो उसके दक्षिणी या उत्तरी क्षेत्रों को कभी भी निशाना बना सकता है। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो क्या होगा? ईरान या इजराइल में कौन मजबूत है? क्या ईरान इजराइल को हरा सकता है? आइए दोनों की सैन्य शक्ति के आधार पर आकलन करने की कोशिश करते हैं। 2 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में एक राजनयिक भवन पर हवाई हमले के संबंध में तेहरान द्वारा इजराइल के खिलाफ आरोप लगाने के बाद तनाव बढ़ गया है। इस घटना में शीर्ष ईरानी सैन्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई, जिनमें जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी भी शामिल थे, जो सीरिया और लेबनान में ईरानी अर्धसैनिक अभियानों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 2020 में अमेरिका द्वारा जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से जाहिदी की मौत ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति है। दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास भवन में विस्फोट के जवाब में तेहरान द्वारा महत्वपूर्ण हमले शुरू करने की चिंताओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसी भी ईरानी हमले के खिलाफ इसराइल के प्रति अपना समर्थन और दृढ़ प्रतिता दोहराई है। आइए ईरान और इसराइल की सैन्य शक्तियों की तथ्यों पर आधारित तुलना करें। ईरान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में 17वें स्थान पर है। इसकी कुल जनसंख्या लगभग 8 करोड़ 80 लाख है, जबकि इसराइल की कुल जनसंख्या 95 लाख है और इसका रैंक 92 है। तो जनसंख्या के मामले में ईरान के सामने इसराइल कहीं नहीं टिकता। ईरान की सेना में कुल सक्रिय सैनिकों की संख्या 6 लाख से अधिक है, जो ईरान को दुनिया में संख्या के हिसाब से 8वें नंबर का सबसे बड़ा सैन्य दल बनाता है। वहीं इसराइल में सक्रिय सैनिकों की संख्या 1,70,000 है और इसका रैंक 31वां है। ईरान का रक्षा बजट करीब 6.8 अरब डॉलर है और सैन्य खर्च के मामले में इसकी रैंक 33वीं है। रक्षा बजट के आंकड़ों के अनुसार इसराइल का रैंक 19वां है। इसराइल का रक्षा बजट 25 अरब डॉलर है, जो लगभग ईरान से 3 गुना ज्यादा है। आज के आधुनिक युग में किसी भी युद्ध का परिणाम उसकी वायु सैन्य शक्ति पर निर्भर करता है, तो आइए दोनों की वायु सैन्य शक्ति की तुलना करें। इजराइल के पास मध्य पूर्व में सबसे उन्नत शास्त्रागारों में से एक है, जबकि ईरान के पास सबसे विविध और सबसे बड़ा शास्त्रागार है। वर्तमान परिस्थिति में ईरान द्वारा इजराइल पर हमला करने की स्थिति में बड़ी संख्या में छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें संचालित करने की सूचना है। मार्गदर्शन और रेंज को ध्यान में रखते हुए ईरान के बड़े मेल बैलिस्टिक मिसाइल शास्त्रागार से इजराइल के लिए एक गंभीर खतरे की संभावना है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान अब कम से कम 5 अलग अलग लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का संचालन कर रहा है, जो ईरान से इजराइल पर हमला करने में सक्षम है। ईरानी मिसाइलें पूरे ईरान के स्थानों से यरूशलम और इजराइल के अन्य हिस्सों पर आसानी से हमला करने में सक्षम है, क्योंकि यरूशलम तेहरान से 2000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। इसका मतलब है कि ईरान की राजधानी से लॉन्च की गई कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर हमला कर सकती हैं, और इससे भी अधिक संख्या में लंबी दूरी के हथियार पश्चिमी ईरान के अन्य स्थानों से इजराइल पर बड़ी आसानी से हमला कर पाने में सक्षम है। ईरान के पास 2000 किलोमीटर की रेंज में सेजल मिसाइल, खैबर मिसाइल, सहाब 3 मिसाइल, फतेह 2 मिसाइल और हज कासेम मिसाइल जैसी मिसाइलें शामिल हैं, जो पूरे इसराइल को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं। वहीं यदि इसराइल की बात करें तो इसराइल के पास सबसे लंबी दूरी की मिसाइल जेरको 3 है, जिसकी रेंज 4800 से 6500 किलोमीटर है, जो ईरान में किसी भी लक्ष्य को हिट करने के लिए पर्याप्त है।
तो दोनों देशों के ही पास एक दूसरे पर हमला करने के लिए क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जो किसी भी स्थिति में अपना भयंकर रूप दिखा सकती हैं। इतना ही नहीं, ईरान के पास 540 विमान हैं, जिनमें से 200 लड़ाकू जेट के साथ साथ कुछ विशेष मिशन जेट विमान हैं, जैसे कि सोवियत युग के मिग और सुखोई जेट। वहीं इजराइल के पास लगभग 612 विमान हैं, जिनमें से 300 फाइटर जेट के साथ साथ स्पेशल मिशन जेट हैं। उनमें F-15 और F-16 फाइटर जेट शामिल हैं। ड्रोन तकनीक के मामले में ईरान काफी आगे है। उसके पास शहीद 159 ड्रोन जैसे तकनीकी रूप से अधिक उन्नत और लंबी दूरी के ड्रोन शामिल हैं, जो यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहे हैं। ईरान के पास हमले, टोही और निगरानी उद्देश्यों के लिए 2 दर्जन प्रकार के ड्रोन हैं, जैसे शहीद 129 1700 किलोमीटर, गाजा 2000 किलोमीटर, मोहजेर 2000 किलोमीटर, आराश 2 2000 किलोमीटर, शहीद 136 250 किलोमीटर एवं कामा 122 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। वहीं इजराइल ईटल ड्रोन, कोचन ड्रोन और प्रीडेटर ड्रोन पर निर्भर है। किसी भी युद्ध का अंतिम परिणाम दूसरे देश पर कब्जा करना होता है, और इसमें भूमि सैन्य शक्ति अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। यदि उदाहरण के लिए देखें तो हवाई मामले में रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं था, परंतु अभी तक रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है। ईरान के पास 4000 से अधिक युद्धक टैंक हैं और दुनिया में इसका नंबर 12वां है। इनमें जुल्फिकार और करार मुख्य युद्धक टैंक हैं। वहीं इजराइल के पास 2200 से अधिक टैंक हैं और इसकी रैंक 18 है। हालांकि इसका मुख्य युद्धक टैंक मकरवा तकनीकी रूप से ईरान के टैंकों से अधिक उन्नत है। ईरान के पास जहां 66,000 बख्तरबंद वाहन हैं, वहीं इजराइल के पास 43,000 से थोड़े अधिक हैं। इजराइल की तुलना में ईरान के पास बहुत अधिक तोपखाने और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम हैं। ईरान के पास जहां 775 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम हैं, वहीं इजराइल के पास केवल 150 हैं। फिर भी पारंपरिक तोपखाने और 70 से 80 किलोमीटर तक की पहुंच वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम इजराइल पर हमला करने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि जब तक उन्हें आगे की तैनाती के माध्यम से इसके सीमाओं के करीब नहीं लाया जाता, वो कारगर सिद्ध नहीं हो सकते। आइए अब दोनों की नौसेना सैन्य शक्ति का आकलन करते हैं। ईरान या इजराइल, दोनों को ही दुनिया की बड़ी नौसैनिक शक्ति नहीं माना जाता। हालांकि ईरान के पास 34 पनडुब्बियों सहित कुल बेड़े की संख्या 270 है। वहीं इजराइल के पास 7 पनडुब्बियों के साथ कुल बेड़े की संख्या 74 है। और अंत में सामूहिक विनाश के हथियार यानी कि परमाणु हथियारों की बारी है। इजराइल के पास मध्य पूर्व में सबसे उन्नत परमाणु हथियार कार्यक्रम है। डिमोना रिएक्टर की प्लूटोनियम उत्पादन क्षमता के अनुसार के आधार पर इजराइल के पास लगभग 100 से 200 परमाणु विस्फोटक उपकरण हो सकते हैं। ताजा रिपोर्टों के अनुसार इजराइल के पास निश्चित रूप से लगभग 90 परमाणु हथियार हैं। वहीं ईरान के पास 2 सप्ताह में परमाणु हथियार विकसित करने के लिए पर्याप्त विखंडनीय सामग्री है। अपुष्ट खबरों के अनुसार निश्चित रूप से ईरान के पास भी परमाणु हथियार हैं, हालांकि इनकी संख्या 10 से 20 हो सकती है। तो दोनों देशों के ही पास एक दूसरे पर गिराने के लिए परमाणु हथियार और वितरण तंत्र मौजूद हैं। इसलिए मेरी राय में उपलब्ध हथियारों के आधार पर न तो इजराइल और न ही ईरान युद्ध जीत सकते हैं, बल्कि यह मानवता का पूर्ण विनाश होगा। यहाँ केवल हथियारों की ही जीत होगी। आइए हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें कि यह युद्ध कभी ना हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।